पहाड़को विकासमा मिलेर काम गर्ने मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले दिए अनि थापा अनि रोशन गिरीलाई निर्देश। कोभिडको माहौल साम्य बने अनि नयाँ भोटर लिस्ट आएपछि जीटीए चुनाव गर्ने मुख्यमन्त्री भनाए। उत्तर बंगालको भ्रमणमा रहेकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी मंगलबार दार्जिलिङ जिल्लाको खरसाङ महकुमाको नयाँ बजारस्थित टाउन सार्वजनिक हलमा बैठकमा सहभागी बने। उक्त बैठकमा दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लाका अधिकारीहरू, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, कालेबुङ विधायक अनि हिल तृणमूल कंग्रेस पार्टीका नेतृत्वहरू उपस्थित थिए। मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले बैठक मार्फत जीटीएको निम्ति दार्जिलिङ अनि कालेबुङका जिल्ला शासकहरूलाई जिम्मेवारी दिए। यसको साथै पहाड़को विकासको लागि क्षेत्रीय दलका नेतृत्व अनि थापा अनि रोशन गिरीलाई मिलेर काम गर्ने निर्देश दिएकी छन्। जीटीए चुनावको प्रसङ्गमा मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले कोभिडको माहौल साम्य भए अनि नयाँ भोटर लिस्ट आएपछि चुनाव हुने स्पष्ट पारे। कोविड के लिए नहीं हो पाया। एक तो पंचायत को जो इशू है, जो टू टायर दार्जिलिंग में है, इसको थ्री टायर करना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बात है, इसको टेकअप करना है। दूसरी बात है, थोड़ा कोविड परिस्थिति ठीक हो जाने से वो नया वोटर लिस्ट अभी आने वाला है। नया वोटर लिस्ट होने का बाद जीटीए इलेक्शन में भी हम लोग जाएंगे। गोल्डन विस्टा नक्सवानी बिल्डर्स ने प्रस्तुत करते गोल्डन विस्टा सिलगढ़ी दागापुर को ज्ञान ज्योति कॉलेज तपाईहरुकै घर आंगन में आई रहे प्रीमियम रेसिडेंशियल 1 BHK 2 BHK 3 BHK अनि ड्यूप्लेक्स फ्लैट्स क्षमतानुरूप मूल्य का साथ पाउनुहुने छ सब मॉडर्न सुविधाहरुले युक्त टाटा टिस्कन को मजबूती र विश्वासमा बनिदिने छ तपाईहरुको गोल्डन विस्टा। अधिक जानकारी को निम्ति संपर्क गर्नुहोस् नक्सवानी बिल्डर्स।